डीसी नैन्सी सहाय और डीडीसी प्रेरणा दीक्षित ने लॉन्च किया पलाश गुलाल। फूल और अन्य प्राकृतिक चीजों से पलाश समूह की महिलाएं बनाती हैं गुलाल। दारू प्रखंड के पेटो गांव की महिलाएं बना रही हैं यह गुलाल। मौके पर डीसी ने कहा कि इस हर्बल गुलाल की डिमांड राज्य स्तर से भी होने लगी है। यह पूर्णतः प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से निर्मित है। कहा यह गुलाल पूरी तरीके से ऑर्गेनिक एवं केमिकल रहित है। देखें खबरें हजारीबाग के संवाददाता प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। देखिए हमारे दारू में जो हमारी फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, हमारी सखी मंडल जेएसएलपीएस की जो हमारी दीदियां, उनके द्वारा पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी पलाश ब्रांड के अंतर्गत गुलाल बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, जिसमें उन लोगों ने सभी प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया है। पलाश के फूल, गेंदे के फूल, हल्दी, बीटरूट, गाजर, जितनी भी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं उससे इन लोगों ने ये गुलाल बनाया है। और पिछले वर्ष भी इन लोगों ने बनाया था और पूरे राज्य स्तर पे उसका डिमांड था। यहाँ से इन लोगों ने पैकेट्स बना के भेजे भी थे और इस वर्ष भी राज्य स्तर से काफ़ी डिमांड आया है, जो कि पूरे राज्य भर में पलाश ब्रांड के अंतर्गत बिकेगा। तो एक बहुत अच्छी पहल है और होली के शुभ अवसर पे ऐसा एक इनिशिएटिव लेना। जिले में जेएसएलपीएस की जो हमारी टीम है, हमारी डीपीएम है, सभी ने बहुत मेहनत की है। इन दीदियों को खासतौर पर मेरी बहुत शुभकामना और सभी को होली की बहुत शुभकामना।